पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले चमोली की खबर आपको बता रहे हैं बुलेटिन में, जहां चौखंबा ट्रैक पर लापता हुए दो विदेशी महिला पर्वतारोही रेस्क्यू इनका कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये दोनों दो दिन से लापता थे। लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा था, खोजबीन बड़ी सफलता हाथ लगी है। चौखंबा गए दूसरे ट्रैकर्स के दल ने दोनों विदेशी ट्रैकर को रेस्क्यू किया है, जिसके बाद दोनों विदेशी ट्रैकर को चौखंबा बेस कैंप लाया गया है। यहां से आर्मी हेलीपैड ज्योतिर्मच इनको लेकर जाएगी। आपको बता देते हैं कि 3 अक्टूबर को अमेरिका के मिशेल थेरेसा और ब्रिटेन की जेन मैनर्स चौखंबा ट्रैक पर फंस गए थे, जिसके बाद वायुसेना और एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश कर रही थी। आखिरकार कल रात दोनों विदेशी ट्रैकर्स का रेस्क्यू कर लिया गया, दोनों को सकुशल पहुंचाया गया है सुरक्षित स्थान पर। अब भारतीय वायुसेना की मदद से दोनों को आर्मी हेलीपैड ज्योतिर्मठ लाया जाएगा। नितिन सेमवाल और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन सेमवाल, ये बहुत बड़ी खबर है, और देखिए अच्छी बात यह है कि दोनों सुरक्षित मिल गए हैं। अब जो इनको आगे लेकर जाना है, यहां से आर्मी हेलीपैड लाया जाएगा, जहां से इनको ज्योतिर्मठ लाया जाना है, इस पर क्या अपडेट है? हाँ जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो लगभग 80 घंटे के बाद एक सुखद खबर कल देर रात को ये आई है कि जो ये दोनों ही पर्वतारोही वहाँ पे फंस गए थे, उनको एक दूसरे दल ने वहाँ पे खोज निकाला, इनका वहाँ पे रेस्क्यू किया और उसके बाद रात को ही इनको बेस कैंप पर वे लेके आए थे। अभी आर्मी के हेलीकॉप्टर दोनों ही वहाँ पे गए हुए हैं और कुछ देर बाद वो उनको यहाँ पर लेके आएंगे। उनकी स्थिति क्या है अभी तक इसका भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन कल रात तक ये अपडेट था कि वो दोनों सुरक्षित हैं। हालांकि थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य में गिरावट जरूर है, लेकिन फिलहाल वो दोनों सुरक्षित थे। कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो लगभग आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन की अगर बात करें तो लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ से लेकर वायुसेना इस पूरे रेस्क्यू अभियान में लगी हुई थी। पूरे केंद्र से लेकर राज्य की सरकार इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि विदेशी पर्वतारोही का मामला था, तो ऐसे में कोई भी चूक इस समय नहीं की जा रही थी। पूरा जो प्लान था, जो रेस्क्यू का पूरा प्लान था, वो बिल्कुल तैयार किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक 80 घंटे के बाद अगर हम बात करें तो एक सुखद खबर आई है कि अभी दोनों जो पर्वतारोही हैं वो सुरक्षित हैं और उनको अब आर्मी हेलीपैड ज्योतिर्मठ लाया जाएगा, जहां उसके बाद उनको तुरंत मेडिकल के लिए आर्मी के अस्पताल में भी भर्ती कराया जा सकता है। जी नितिन सेमवाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उधम सिंह नगर के किच्छा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने बखपुर चाचर में 207 एकड़ सरकारी भूमि से कब्जा हटा दिया है। पिछले 3 दिनों में उधम सिंह नगर में प्रशासन 354 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और ये बढ़ते हैं आगे, देहरादून की खबर आपको बताते हैं, जहां पर वायरस अटैक की वजह से अभी भी कई सरकारी वेबसाइट्स जो हैं वो बंद पड़ी हैं, कामकाज पूरी तरह से रुका हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी साइबर सिस्टम के ठप होने से बेहद खफा हैं। सीएम धामी ने चेतावनी दे डाली है कि सोमवार तक सरकारी आईटी सिस्टम ठीक हो जाना चाहिए। सीएम ने कहा है कि सोमवार तक सभी वेबसाइट में काम शुरू हो जाना चाहिए और दोबारा इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि टेक्निकल लापरवाही पर सख्त एक्शन हो। साथ ही सीएम ने कहा है कि जल्दी साइबर सिक्योरिटी पर टास्क फोर्स बनाई जाए, डेटा के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनाया जाए। मालवेयर यानी कि कंप्यूटर वायरस के चलते 3 दिन से उत्तराखंड में सरकारी कामकाज ठप पड़ा है। सचिवालय से लेकर सीएम हेल्पलाइन ठप पड़े हैं। सोमवार सुबह तक पूरा सिस्टम ठीक होने की उम्मीद है, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी इसी पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी पर उत्तराखंड सरकार की 186 वेबसाइट चलाने का जिम्मा है, लेकिन 2 अक्टूबर से मालवेयर यानी
वायरस के चलते पूरा सरकारी सिस्टम ठप पड़ गया। प्रदेश के 13 जिलों में सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रजिस्ट्री से लेकर डीएम ऑफिस तक के काम रुक गए। शुक्रवार को सचिवालय में इसकी वजह से कोई काम हो नहीं पाया। वहीं सीएम हेल्पलाइन और अपनी सरकार पोर्टल भी नहीं खुला। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का तक सिस्टम गड़बड़ा गया। राजस्थान दौरे से मुख्यमंत्री लौटे तो नाकाम इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एजेंसी यानी कि ITDA पर नाराजगी जताई और हाई लेवल मीटिंग तक बुलानी पड़ी। बात बिल्कुल साफ है कि बड़े बड़े दावे करने वाली एजेंसी, निदेशक और उनकी टीम फेल है। उससे पहले शुक्रवार को ITDA की निदेशक और IAS निकिता खंडेलवाल का बयान सुनिए। मेरा अपना ये कहना है कि मेरा सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाया और मेरा सिस्टम उसको, हम लोग रेजिलिएंट हैं और हम लोग उसको वापस ला पा रहे हैं, लाइव कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग ने डिटेक्ट करके टाइम से बिना किसी इंपैक्शन के, बिना किसी लॉस के हम उसको लाइव कर पा रहे हैं। तो इससे बड़े हमें लगता है कि हमारी टीम, मतलब कि हमारा अपना अचीवमेंट है। जितनी आसानी से निदेशक निकिता खंडेलवाल ने ये बात कह दी, पहले गलती और फिर सिस्टम को ठीक करने का काम कोई मजाक नहीं है। इसी गलती का फायदा किसी भी दिन हैकर्स उठा सकते हैं और कई सरकारी गोपनीय दस्तावेज एक झटके में हैकर्स के हाथ लग सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए सेक्रेटरी नितेश झा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और भविष्य में IT सिस्टम को मजबूत बनाने की बात कह रहे हैं। ये तो एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी समय के साथ बढ़ता रहता है और हमारे स्टैंडर्ड SOPs का अगर पालन किया जाता है तो नॉर्मली इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। फिर भी हम लोग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए और कार्य करेंगे और हमने इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रीमियर एजेंसीज हैं, जैसे CERTIN वगैरह को इन्वॉल्व किया है। उनके रिकमेंडेशन के आधार पर आगे फिर हम लोग अपने सिस्टम्स को और फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी बात बात पर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इसकी पोल एक वायरस ने खोल कर रख दी और खबर है कि वायरस कहीं बाहर से नहीं आया बल्कि कमजोर लचर सिस्टम का नतीजा है। और यही हाल रहा तो किसी दिन पूरे सरकारी सिस्टम पर इससे बड़ा संकट आ सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इस बीच आपको बताते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम धामी अगस्त मुनि में शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। लखपति दीदी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहेंगी। सीएम धामी रुद्रप्रयाग के लिए घोषणाएं भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी साथ रहेंगे मुख्यमंत्री के। खबर पर और जानकारी हमारे सहयोगी संदीप प्रसाद देंगे, लाइव इस समय मौजूद है। संदीप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा काफी अहम है। हरियाणा में देखिए मतदान कल हो चुके हैं, हरियाणा में भी उन्होंने अच्छी चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली, लेकिन अब अपने प्रदेश की अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग का दौरा कई मायनों में अहम है। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां क्या कुछ कर ली गई हैं और कितने बजे पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? जी बिल्कुल कंचन, आपको बता दें क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ये दौरा है काफी अहम रहेगा और खासकर रुद्रप्रयाग जनपद के लिए ही, जो केदारनाथ में अब उपचुनाव होने, विधानसभा उपचुनाव होने, उसको लेकर काफी अहम माना जा रहा है। और आज 2 बजे तकरीबन मुख्यमंत्री अगस्त मुनि हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर जो लखपत दीदी योजना है उसके तहत महिला को शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में वहां पे मौजूद रहेंगे और तमाम महिलाएं वहां पे, आज वहां पे महिलाओं की काफी संख्या वहां पे पहुंच सकती है और इसको लेकर प्रशासन है उसकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जल्द ही वहां पर जो केदारनाथ उपचुनाव, जहां पर जो केदारनाथ की पूर्व विधायक थी शैला रानी रावत, वो उनका निधन हो गया था और उसके बाद वहां पर अब फिर से उपचुनाव होने, इसको लेकर भी काफी अहम माना जा रहा है। जो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और वहां पर आज सबसे बड़ी बात है कि वहां महिलाओं की भारी भीड़ वहां पर आज उमड़ सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका संदीप प्रसाद जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में दिसंबर में निकाय चुनाव होंगे और चुनाव के लिए सरकार तैयारी कर चुकी है पूरी तरह से। शनिवार को यह बात संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रवर समिति की तीसरी मीटिंग के बाद कही है। उन्होंने कहा है कि साल 2018 की तरह 2011 की जनगणना पर चुनाव होंगे और हाईकोर्ट को 10 नवंबर से पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। सरकार ने हाईकोर्ट में 25 दिसंबर से पहले चुनाव की बात कही है। वहीं निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की तीसरी बैठक शनिवार को हुई है, उसी में यह फैसला हुआ है। तय किया गया है कि OBC आरक्षण का मुद्दा गंभीर है और आरक्षण का फायदा सिर्फ उत्तराखंड के OBC को ही मिले, इस पर प्रवर समिति अपना काम कर रही है और इसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए स्पीकर से बात की जाएगी। जो हमारा
कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे, उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पे जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था उसी आधार पे हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। भू कानून की तरह ओबीसी आरक्षण का फायदा भी सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को मिले, कांग्रेस और बीजेपी यही चाहते हैं। सही वजह रही है, यही वजह रही है कि निकाय चुनाव 2011 की जनगणना पर कराने पर सहमति भी बनी है, ताकि ओबीसी के नाम पर कोई बाहरी उत्तराखंड का फायदा ना उठा सके। रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति बनी, लेकिन यहाँ भी पेच बाहरी का आकर फंस गया। ओबीसी आरक्षण के नाम पर कहीं उत्तर प्रदेश का ओबीसी चुनाव न लड़ जाए और उत्तराखंड के ओबीसी को फायदा न मिल पाए, इसी डर के चलते ओबीसी आरक्षण वाली प्रवर समिति ने साल 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव कराने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड में कई बाहरी लोग ऐसे हैं जो यूपी में ओबीसी हैं, पर उत्तराखंड में रहकर यहां भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर फायदा ले रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के मुताबिक उत्तराखंड में शिक्षा, राजनीति और संस्कृति को देखते हुए इस पर सोच समझकर ठोस फैसला लिए जाने की जरूरत है। ये कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत व्यापक इस पर चर्चा होनी है, वृद्ध इस पर चर्चा होनी है। हमारे यहाँ का जो ओबीसी समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन सबके हित के लिए, राज्य हित के लिए हम प्रवर समिति जल्दी में नहीं है। वो चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे हमारा शैक्षणिक हो या किसी भी रूप में हो, उसी के मद्देनजर हम व्यापक चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की जमीन से लेकर आरक्षण तक का फायदा बाहर से आकर लोगों ने जमकर उठाया है, यही बात अब हर जगह उत्तराखंड में चुभती जा रही है। और इस ओबीसी आरक्षण में भी ऐसा ना हो, इसलिए पक्ष विपक्ष के सुर एक है। उत्तर प्रदेश के सर्टिफिकेट पे डीएलएड किया, टीचर बनने उत्तराखंड के सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आ गए। अच्छा, स्थायी निवास कहीं का लिया, फिर भर्ती के लिए स्थायी निवास यहाँ का ले लिया। तो कुल मिलाकर के हमने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि ना केवल ये कमेटी, आवश्यकता पड़े तो एक कमेटी और बनाए, आवश्यकता पड़े तो चाहे आयोग बनाना पड़े। मेरा ये दृढ़ मत है कि बाकायदा सरकार को बहुत सख्त गाइडलाइंस सरकार को जारी करने के लिए, सरकार को बहुत सख्त गाइडलाइंस ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए करनी पड़ेगी। हमारी ये चिंता है जो बॉर्डरों पर लगे हुए, जैसे उत्तर प्रदेश बॉर्डर से हैं या और अन्य बॉर्डरों से लगे हुए एरिया हैं, वहां पर बाहरी लोगों का जिस तरह से वहां पर बढ़ रहा है, उस पर जो है चिंता है कि ताकि बाहरी लोग दो दो जगह का जो है आरक्षण का फायदा न ले। अभी डीएलएड के पेपर हुए थे तो उसमें भी काफी बच्चों का फोन आ रहा था कि उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने ओबीसी किया, उस पर जो है डीएलएड किया है और उत्तर प्रदेश में भी जो है ये उसके पेपर दे रहे हैं। तो इस तरह का न हो, हमारी चिंता उत्तराखंड को लेकर है। कुल मिलाकर चिंता उत्तराखंडियों के हक पर पड़ रहे डाके को लेकर है। जहां उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोग नौकरियों में ओबीसी का फायदा ले रहे हैं, तो उत्तराखंड के ओबीसी हाथ मल रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के ओबीसी की सही पहचान की मांग उठ रही है, ताकि नौकरी से लेकर चुनाव में उसे अपना हक मिल पाए। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज 18। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा है कि उत्तराखंड में फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनने के बाद बीजेपी के विधायक मान रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि सरकार इस पर एक्शन ले और उत्तराखंड के ओबीसी के हितों पर डाका नहीं पड़ना चाहिए। माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी ये कह रहे हैं कि अन्य प्रदेशों से आए हुए लोग नकली सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो ये सरकार ने हुए वो, और सरकार की जवाबदेही बनती है कि उनकी सरकार में दूसरे प्रदेशों के लोगों ने नकली सर्टिफिकेट कैसे बना दिए, और अगर बनाए हैं तो उनको इस बात को एश्योर करना पड़ेगा कि उत्तराखंड के ओबीसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उनके हितों पर डाका नहीं डाला जाएगा।